आज हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं वो एक समय में साउथ की अम्मा यानी जयललिता की करीबी हुआ करती थी। उनकी डेथ के बाद इन्हीं को उस पार्टी का यानी जिस पार्टी की जयललिता हेड होती थी उसी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। फिर बाद में इनको उस पोजीशन से हटा भी दिया गया और आगे जाके ये जेल भी गई। अब जब एक इंसान के जीवन में इतना सब कुछ हुआ हो तो उसके बारे में जानना तो आवश्यक हो जाता है। तो फिर शुरू करते हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। ये व्यक्ति हैं विवेकानंदन कृष्णवेणी शशिकला, जिनको हम जानते हैं शशिकला नटराजन के नाम से। इनका जन्म 18 अगस्त 1954 में सी विवेकानंदन और वी कृष्णवेणी के घर में तिरुथुरैपुंडी में, जो कि आज की तारीख में तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में है। इनके पेरेंट्स एक इन्फ्लुएंसर कलार फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि बाद में मन्नारगुड़ी नाम की जगह पर शिफ्ट हो गए थे। इनके 4 भाई हैं, जिसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और बाद में एक बहन थी जिनकी बाद में जाके मृत्यु हो गई थी। इनकी शादी हुई मधुरप्पा नटराजन से, जो कि पब्लिक रिलेशन अफसर थे तमिलनाडु की सरकार में। इनकी शादी 1973 में डीएमके लीडर एम करुणानिधि के नेतृत्व में हुई थी। इन दोनों का कोई बच्चा नहीं था और उनके पति की मृत्यु 20 मार्च 2018 में हो चुकी थी। यह तो थी इनके व्यक्तिगत जीवन की बात। अब आते हैं इनके पॉलिटिकल करियर की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनके पति पब्लिक रिलेशन अफसर थे तमिलनाडु सरकार में और ये क्लोजली काम करती थी साउथ अरकूट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, जिसका नाम था वीएस चंद्रलेखा, जो कि करीब थी उस समय के तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमजी रामाचंद्रन की। और ऐसे ही कनेक्शंस बनते गए। इन कनेक्शंस की बदौलत शशिकला को मौका मिला जयललिता से मिलने का, जो कि समय पे प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थी AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कसिगम की। उस वक्त से शशिकला ने मदद करी पार्टी मीटिंग्स की वीडियोस बनाने में, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन करके CD के थ्रू, और ऐसे काम से सिलसिले में मिलते मिलते इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। जयललिता की नजरों में शशिकला सबसे ट्रस्टेड पर्सन बन गई। रामचंद्रन की मौत के बाद और AIADMK कैडरे द्वारा जयललिता को अंतिम संस्कार में की गई सबके सामने बेइज्जती के बाद शशिकला ने अपने रिश्तेदार और मन्नारगुड़ी से 40 और लोगों को जयललिता की सुरक्षा के लिए बुलाया गया। जयललिता ने रामचंद्रन की विधवा VN जनकी से AIADMK का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और 1989 में शशिकला उनके पोस्ट गार्डन रेजिडेंस में शिफ्ट हो गई। 1991 के विधानसभा चुनाव के बाद जब जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो शशिकला की ताकत और प्रभाव बहुत बढ़ गया था, इतना कि वो जयललिता से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। राज्य के मंत्री सीधा उनसे आदेश लेने लगे। 1995 में शशिकला के नेफ्यू की शादी से कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। वो इसलिए क्योंकि शादी में उन्होंने कुछ ज्यादा ही दिखावा कर दिया, जिसके लिए लोगों को AIADMK सरकार करप्ट लगने लगी और कई लोगों ने जयललिता और उनके करीबी के खिलाफ केसेस भी दर्ज कराए। और इसी के कारण 1996 में हुए लेजिस्लेटिव इलेक्शन में AIADMK हार गई। पी चिदम्बरम, जिन्होंने जयललिता और शशिकला को जिम्मेदार ठहराने का वादा किया था, उन्होंने जून 1996 में केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री के पद संभालने के बाद शशिकला की जांच करवाई, जिसके बाद उन्हें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जयललिता ने शशिकला से दूरी बनाई, लेकिन शशिकला ने जयललिता का नाम ना लेने के बाद दोनों में दोस्ती वापस से हो गई और शशिकला को 10 महीने की सजा के बाद रिलीज कर दिया गया। AIADMK ने 1998 के जनरल इलेक्शन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता में अपने आने की मदद भी की। 1999 में शशिकला ने स्वामी के लिए एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज की, जो वाजपेयी से नाराज थे क्योंकि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं दिया गया था। इस पार्टी में जयललिता और इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। AIADMK ने कुछ ही दिनों में वाजपेयी की सरकार गिरा दी, जब AIADMK ने उनकी कोलेशन से अपना समर्थन वापस ले लिया। 19 दिसंबर 2011 को जयललिता ने शशिकला और 13 और लोगों में, जिसमें शशिकला के पति एम नटराजन और उनका भतीजा TTV दीनाकरन, उनके रिश्तेदार और जयललिता के लिए गोद लिए हुए बेटे VN सुधाकरन शामिल थे, उन सभी को AIADMK से निकाल दिया गया। इस कदम को जयललिता का तरीका माना गया अपने आप को शशिकला और उसके परिवार के प्रभाव से मुक्त साबित करने का। ये मामला 31 मार्च 2012 तक सुलझ गया,
जब शशिकला ने लिखित माफी मांगने के बाद पार्टी में वापस लिया गया। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता की मौत के बाद 29 दिसंबर 2016 को हुई पहली मीटिंग में AIADMK जनरल काउंसिल ने शशिकला को पार्टी की टेम्पररी जनरल सेक्रेटरी बनाने का, यानी जब तक इस पद के लिए कोई फॉर्मल इलेक्शन नहीं हो सकते तब तक के लिए 5 फरवरी 2017 को शशिकला को AIADMK लेजिस्लेटरी पार्टी लीडर चुना गया। सभी MLAs की मीटिंग में तमिलनाडु के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने 6 फरवरी को चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम को इस्तीफा मंजूर किया और उन्हें एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करते रहने को कहा जब तक नए इंतजाम नहीं किए जाते। गवर्नर ने शशिकला को नए चीफ मिनिस्टर रूप में घोषित करना डिले किया डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस का फैसला आने तक। 14 फरवरी 2017 को शशिकला को दोषी ठहराया गया और बेंगलोर के परपरना अग्रहारा जेल में 4 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें 24 घंटे में सरेंडर करने को कहा गया। गवर्नर ने उनके चीफ मिनिस्टर बनने का दावा को खारिज कर दिया। शशिकला ने फिर पार्टी की MLA काउंसिल को जनरल सेक्रेटरी के रूप में बुलाया जहां एकप्पड़ी के पलीन स्वामी को चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया और अगले दिन शपथ ग्रहण कराया गया। 21 अगस्त 2017 को AIADMK पनीर सेल्वम को लॉयलिस्ट फैक्शन के पनीर सेल्वम के स्प्लिंटर फैक्शन के साथ मर्ज होने का फैसला किया और शशिकला को जनरल सेक्रेटरी के पद से निकाल दिया जो मर्जर के एक मुख्य शर्तों में से था। 28 अगस्त को रिपोर्ट आई कि शशिकला को पार्टी मीटिंग के दौरान निकाल दिया गया लेकिन बाद में इससे नकारा गया। 13 सितंबर को AIADMK जनरल काउंसिल ने शशिकला की इंटरिम जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया और उन्हें पार्टी से निकाल दिया। हालांकि उनका द्वारा अपॉइंटेड पार्टी ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटीज जारी रखते थे। इसके बजाय लेट जयललिता को AIADMK की इंटरनल जनरल सेक्रेटरी घोषित किया गया। शशिकला ने फरवरी 2021 में चेन्नई के सिटी सिविल कोर्ट 4 में केस दाखिल किया लेकिन अप्रैल 2022 में कोर्ट ने उनका AIADMK जनरल सेक्रेटरी से निकाले जाने को बनाए रखा। इसलिए TTV दिनाकरन का डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट और उनके फैसले भी कैंसिल किए गए। दिसंबर 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने AIADMK से उनके निकाले जाने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया। शशिकला और इनकी फैमिली के पार्टी से निकल जाने के बाद क्रिएशन हुआ एक नई पार्टी का, अम्मा मक्कल मुनेत्रा कसिगम यानी AMIMK का, जो कि 15 मार्च 2018 को TTV दिनाकरन के द्वारा किया गया। शशिकला को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और दिनाकरन ने कहा कि शशिकला के जेल से रिलीज होने के बाद उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। जेल से रिलीज होने के बाद शशिकला ने कहा कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स वापस ज्वाइन करेंगी। 2021 में उन्होंने ये कहा लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बदल लिया। मई 2021 में उन्होंने दावा किया कि वो फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आएंगी। उन्होंने बहुत से बयान दिए कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए ताकि वो अपनी धाक फिर से जमाए रखें। जुलाई 2022 में पनीर सेल्वम को AIADMK से निकाल जाने पर पनीर स्वामी ने इंटरिम जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद शशिकला ने पनीर स्वामी के अपॉइंटमेंट को इनवैलिड बताया और कहा कि उनके पास पनीर सेल्वम को निकालने का कोई अधिकार नहीं था और ये भी दावा किया कि पार्टी कैडर्स चाहते हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी बने। 2022 में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पनीर सेल्वम को निकाले जाना रद्द करने के बाद पनीर सेल्वम ने कहा कि वो AIADMK को एकजुट करने के लिए शशिकला और दिनाकरन से मिलेंगे। 2 सितंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच में 11 जुलाई 2022 को एक AIADMK जनरल काउंसिल मीटिंग के फैसलों को बनाए रखा और एकधिपट्टी के पलन स्वामी ने अपील केस के लिए पहले से ही सिंगल जज को कोर्ट ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस तरह से यूनिटरी लीडरशिप को बहल कर दिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में भी 23 फरवरी 2023 को पनीर सेल्वम की पटिशंस को खारिज करते हुए बनाए रखा। जयललिता की मौत की जांच कर रही एक कमीशन ने अगस्त 2022 में स्टेट गवर्नमेंट को सबमिटेड रिपोर्ट में शशिकला और दूसरों की जांच की सिफारिश करी। अब अगर इनके कन्विक्शंस की बात करें तो 14 फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला और उनके सिस्टर इन लॉ और साथ ही साथ उनके नेफ्यू को गिल्टी पाया काला धन जमा करने और धोखाधड़ी के केस में और इन तीनों को 4 साल की सजा हुई और साथ ही साथ 10 करोड़ का जुर्माना लगा और सजा में यह भी था कि अगर ये जुर्माना नहीं भर पाए तो इन्हें 12 महीनों में जेल और रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये अर्जी खारिज कर दी
कि उन्हें अदालत में समर्पण के लिए 15 दिन का समय दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। उन्हें 27 जनवरी 2021 को उनका टर्म खत्म होने के बाद रिहा किया गया, लेकिन कोविड-19 का इलाज करवाने के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल में रखा गया। इस केस में उनके कन्विक्शन के कारण 27 जनवरी 2027 तक उनका चुनाव में भाग लेने का हक तो छीन लिया गया है। तो ये थी बात शशिकला नटराजन की। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।